हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मोर आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे दिल्ली डिवीजन का स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था 11/2/2024 को। ये क्या है, स्टेशन मास्टर का पेपर है और 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुए थे और ये दिल्ली डिवीजन का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन पर देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल, अगर मंडल के पूछे जाएंगे तो मंडल रेल प्रबंधक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहे चाहता हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल आपका 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल साहब गंगाधर खेर थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो देखिए, पारंगत भी आ गया है, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर आप में इसमें देखिएगा, ये 2022 में पारंगत को भी शामिल किया गया है, तो टोटल अब हो गए हैं 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मचारी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 3 माह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो यह है प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टेशन पर इंड टू इंड मालगाड़ी में ब्रेक पावर प्रतिशत कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो कम से कम 90% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एलएचबी कोच में कौन सा कपलर लगा होता है? तो ये होता है एच टाइप कपलर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन विभागीय ट्रेन है? तो यहाँ है यात्री स्पेशल, सैनिक गाड़ी और हॉलीडे स्पेशल, सामग्री गाड़ी। तो ये मटेरियल ट्रेन होता है, ये आपका विभागीय ट्रेन होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, चक्के का लाल हो जाना तथा ब्रेक ब्लॉक से धुआं निकलना डैश का लक्षण होता है? तो हार्ट एक्सल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चक्के का लाल हो जाना तथा ब्रेक ब्लॉक से धुआं निकलना, तो ब्रेक बाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूजन में, सभी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो दिया है, दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई होता है और एक अस्थाई होता है। अस्थाई जो होता है WTT में रहता है, अस्थाई होता है टेम्प्रोरी लगाया जाता है। तो इस तरह से ये पूछा गया, सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो सतर्कता आदेश दो ही प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये बहुत लोग 4 कहते हैं, बहुत लोग 3 कहते हैं, लेकिन हमको लगता है ये सतर्कता आदेश दो ही प्रकार का होता है, एक अस्थायी और अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए हमारी समझ से। अगला क्वेश्चन है, ए अगर पूछता कितने प्रतियों में दिया जाता है, तो 4 प्रतियों में दिया जाता है। तो कहीं कहीं 3 प्रति में दिया जाता है, कहीं पर 4 प्रतियों में दिया जाता है। सेंट्रल रेलवे में आपको मिलेगा आपका 4 प्रति में, क्योंकि स्टेशन मास्टर जो सतर्कता आदेश देता है वो आपका लोको पायलट, गार्ड और एक रिकॉर्ड में रखा जाता है, और तीसरा असिस्टेंट लोको पायलट को भी दिया जाता है। तो ऐसे में सेंट्रल रेलवे में 4
प्रतियों में दिया जाता है। लेकिन पूछा है सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार के होते हैं कि अस्थाई होता है और अस्थाई होता है। तो देखिए अपने हिसाब से समझिएगा क्या कह सकते हैं क्या है, हमारे हिसाब से तो दो सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है ऐसी गाड़ी जो प्रस्थान प्राधिकार के अनुसार प्रस्थान कर चुकी है लेकिन उसने अपनी यात्रा पूरी नहीं की है तो क्या कहलाएगी, तो वो रनिंग में ही चल रही है तो रनिंग ट्रेन कहलाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्लान किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो PCSO के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर का 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सवारी गाड़ी में गुड्स स्टैक लगाने के लिए कौन प्राधिकृत होता है, तो PCOM होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या दुर्घटना स्थल भेजते समय ARTO ARME को उनके मुख्यालय से अटैच कर चलाया जा सकता है, तो नहीं चलाया जा सकता है, मुख्यालय से नहीं चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी संचालन से संभावित कार्य का स्वतंत्र प्रभार पहली बार ग्रहण करने से पूर्व कर्मचारी को मार्शलिंग यार्ड या लॉबी सहित जंक्शन स्टेशन का न्यूनतम पिकअप कितने दिनों का किया जाता है, तो ये किया जाता है 8 दिन का। ऑप्शन नंबर डी सही है। गाड़ी संचालन से संबंधित कार्य का स्वतंत्र प्रभार पहली बार ग्रहण करने से पूर्व कर्मचारी को मार्शलिंग यार्ड या लॉबी सहित जंक्शन स्टेशन का न्यूनतम पिकअप कितने दिनों का दिया जाना चाहिए, तो 8 दिन का। अगला क्वेश्चन है, DRM का पूर्ण रूप क्या है, डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग के दौरान शंटिंग कर्मचारी को शंटिंग के दौरान शंटिंग कर्मचारी गाड़ी को अपने से दूर भेजने के लिए किस प्रकार से हाथ संकेत दिखाएगा, तो ये दिखाता है आपका ग्रीन फ्लैग, ग्रीन लाइट, अप एंड डाउन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर सिग्नल एडवांस स्टार्टर सिग्नल से इंटरलॉक होने के कारण शंटिंग के लिए आप नहीं किया जा सकता, तो ऐसे स्टार्टर सिग्नल को शंटिंग के दौरान आन स्थिति में कैसे पार करेंगे, तो यहाँ पर आपका दिया जाएगा हमारे सेंटर रेलवे T806 दिया जाता है, और अगर ऐसा है तो आपका लिखित मेमो भी दे दिया जाता है और हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर T80 ऑप्शन में नहीं है तो आपको लिखित मेमो और हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यात्री के समय शंटिंग के दौरान लोड को अपनी तरफ आने के लिए सक्षम कर्मचारी किस प्रकार से हाथ संकेत दिखाएगा, तो ग्रीन लाइट ये दिखाएगा, ग्रीन लाइट, क्रॉस दी बॉडी अपने शरीर पर, पूरे शरीर में सफेद रोशनी, पूरे शरीर में हरी बत्ती दिखाएगा बॉडी। तो अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर है, शंटिंग लिमिट बोर्ड कहाँ लगाया जाता है, तो बी क्लास स्टेशन सिंगल लाइन पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग लिमिट बोर्ड की दूरी होम सिग्नल्स से होती है, तो ये होता है आपका 180 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, शंटिंग आदेश का नंबर क्या होता है, T806 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, शंटिंग आदेश किसको जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है आपका लोको पायलट को भी जारी किया जाता है और गार्ड को। शंटिंग आदेश किसको जारी किया जाता है, लोको पायलट और गार्ड को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग आदेश कौन बनाता है, तो स्टेशन मास्टर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, शंटिंग के दौरान एडवांस स्टार्टर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर शंटिंग कार्य किया जाता है तो 806 में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन पर पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग हेतु क्या दिया जाएगा, तो यहाँ पर है ब्लॉक बैक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर
भी सही है। डबल लाइन पर पिछले ब्लॉक सेक्शन में सेंटिंग हेतु क्या दिया जाएगा, ब्लॉक बैक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में सेंटिंग हेतु क्या किया जाएगा, तो ये ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटिंग लाइन पर गार्ड सॉरी डबल लाइन पर गाड़ी डबल लाइन पर गई हुई गाड़ी के पीछे सेंटिंग की अनुमति देने पर निम्न में से कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर गति की गाड़ी की गति, गाड़ी का ब्रेक पावर और ग्रेडियंट, ये सभी का ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन है, सेंटिंग लिमिट बोर्ड आउटर सिग्नल सी कितने कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ये MCLS में, तो ये लगाया जाता है 180 मीटर पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेंटिंग लिमिट बोर्ड तक सेंटिंग करने के लिए आवश्यक होता है, तो ये होता है इनमें से कोई नहीं है। सेंटिंग लिमिट बोर्ड तक सेंटिंग करने के लिए आवश्यक है, ब्लॉक बाय ब्लॉक बोर्ड लाइन के लिए प्राप्त करना, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटिंग लिमिट बोर्ड का रंग कैसा होता है, तो येलो कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक बाय क्या होता है, तो ये होता है बाधा संदेश होता है, ऑब्स्ट्रक्शन मैसेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटिंग के दौरान रात में हरी बत्ती का लाल कांच टूट गया हो तो सेंटिंग मोमेंट कैसे रुकवाएगा, तो सफेद बत्ती के द्वारा ही कराएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यात्री के कब्जे वाली ट्रेन में कोच के साथ या बिना इंजन लगाते समय इंजन को कपलिंग से पहले ट्रेन से दूर रोकना चाहिए, तो 20 मीटर पहले 20 मीटर पहले दूर रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक और अन्य खतरनाक सामग्री माल विस्फोटक और अन्य खतरनाक सामानों की मार्शलिंग के संबंध में IRCA में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, तो रेड टेरिफ 20 से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक चार पहिया वाहन को डैश के बीच मार्शलिंग नहीं किया जाना चाहिए, तो 8 व्हीलर को नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 42 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी परिस्थिति में डैश ट्रेनों में से कोई डेड इंजन नहीं जोड़ा जाएगा, तो राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस भी नहीं जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रीमियम रैक BPC का मूल्य कितने दिनों के लिए होता है, तो 12 प्लस 3 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, POH का अर्थ क्या होता है, तो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेलवे में कितने जोन होते हैं, तो टोटल 18 जोन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे में कितने डिवीजन है, तो 5 डिवीजन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें है दिल्ली है, मुरादाबाद, लखनऊ, अंबाला, फिरोजपुर है। अगला क्वेश्चन है, पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा प्राप्त खतरे सिग्नल की एंट्री स्टेशन मास्टर द्वारा कहाँ से की जाएगा। लिखा है, पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा प्राप्त खतरे सिग्नल की एंट्री स्टेशन मास्टर द्वारा कहाँ की जाती है, तो ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर ए सही है, TSR में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी गति प्रतिबंध कहाँ निर्धारित किया जाता है, तो यह WTT में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की माननीय रेल मंत्री का नाम क्या है, सभी को पता है, श्री अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो श्री नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर रेलवे के PCCM कौन है, तो ये है श्री संजय जैन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे की
सीआरएस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो नॉर्दर्न सर्कल में आता है, ऑप्शन नंबर डी सी है। और टोटल नौ है जिसमें नॉर्दर्न जो है उत्तर सर्कल में आता है। अगला क्वेश्चन है बी एल सी ए और बी एल सी बी किस गाड़ी का हिस्सा होता है, तो ये कंटेनर का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। संचालन समय सारणी आमतौर पर जारी की जाती है, तो ये होता है 1 जुलाई को जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन उत्तर रेलवे में जेड आर टी आई कहाँ स्थित है, तो ये आपका चंदौसी में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, तो ये चंदौसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक नियम जारी करने व संशोधित करने का अधिकार किसको है, तो पीसीओम को है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। यदि रेल परिसर में ऑफ ड्यूटी रेल कर्मचारी नशे की स्थिति में पाया जाता है तो उसे बर्खास्त किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, हो सकता है। अगला क्वेश्चन पोजीशन लाइट सेंट सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी बत्ती दिखाता है, ऑन स्थिति में तो दो समांतर सफेद बत्ती दिखाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है ए आर टी और ए आर एम ई की लक्ष्य समय को कौन कम कर सकता है, तो ये डी आर एम कर सकती है, ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। आई बी एस कौन सी श्रेणी का स्टेशन होता है, तो ये होता है आपका सी क्लास का होता है। आई बी एस किस क्लास का स्टेशन होता है, तो सी क्लास का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है सेंट सिग्नल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये होता है आपका केवल यह केवल सेंटिंग कार के लिए आप किया जा सकता है, यही सही है, सेंटिंग कार के लिए सेंट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्थिति में आई बी एस कौन सी रोशनी दिखाता है, उसका नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है, तो लाल ही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम घंटा का संभवनाद किसे कहते हैं, अगला सामान्य स्थिति में आई बी एस कौन सी रोशनी दिखाता है, तो लाल दिखाता है। अगला क्वेश्चन स्वर्णिम घंटा का संभवनाद किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका, तो ये आपका है गाड़ी दुर्घटना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सिग्नल किसी गाड़ी को आन स्थिति में पार करने की अनुमति नहीं देता है, तो सन ये है रिपीटिंग सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल, वार्नर सिग्नल। सन सिग्नल आन स्थिति में पार करने की इजाज़त नहीं देता, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है सवारी गाड़ी की अधिकतम शंटिंग गति क्या है, तो आपका 15 के मैक्सिमम 15 के स्पीड ही है सभी का। अगला क्वेश्चन है एक मालगाड़ी के ब्रेक वैन के पीछे कितने डेड इंजन लगे हो सकते हैं, तो एक ब्रेक वैन के पीछे एक ही सॉरी तो मालगाड़ी के पीछे ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। डेड इंजन को नहीं जो इंजन के पीछे जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है सवारी गाड़ी में एसएलआर के पीछे कितने कोच लगाए जा सकते हैं, तो ये आपका है दो है। सवारी गाड़ी की एसएलआर के पीछे कितने कोच लगाए जा सकते हैं, मुख्यतः मुख्य लाइन पर तो दो कोच लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोड स्टेबल करने पर कितने लकड़ी के गुटके लोड पर लगाए जाते हैं, तो दो दो करके लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, दो आगे दो पीछे। अगला क्वेश्चन एक मुंह वाली साइडिंग से 8:15 बजे आज से आदेशित ए आर एम ई को कितने बजे तक रवाना कर दिया जाना चाहिए, तो 8:35 20 मिनट और जोड़ देंगे तो 8:35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है माल या पशु को ढोने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, तो मिक्स गुड्स ट्रेन ही कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मिलीजुली ट्रेन कहीं नहीं चलती है, तो सिर्फ गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन ही चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, वो मालगाड़ी में ही गिना जाएगा। रेल सेवक का आचरण कैसा होना चाहिए, तो कार्य पर बिल्कुल बिल्ला या वा निर्धारित वर्दी पहने होना चाहिए, सही है। ड्यूटी के समय चुस्त सब सिस्टम होना चाहिए, सही है। अवैध परि तो सिखुआ ना मानेगा ना स्वीकार करेगा, तो ये भी सही है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है सामान्य सहायक नियम के तहत
गाड़ियों के संचालन को निर्धारित करने के लिए किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो फिक्स्ड सिग्नल का उपयोग किया जाता है, फिक्स्ड सिग्नल, हैंड सिग्नल, डेटोनेटर सिग्नल। सामान्य और सहायक नियम के तहत इन गाड़ियों के संचालन को निर्धारित करने के लिए किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी हैं, डेटोनेटर का उपयोग किया जा सकता है, हैंड सिग्नल का और फिक्स सिग्नल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, उन लोको यार्ड से ट्रैफिक यार्ड पर इंजन लगाने के लिए फिक्स सिग्नल का उपयोग किया जा सकता है, तो उसे पायलट करना आवश्यक है? नहीं, अगर फिक्स सिग्नल पर संटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें पायलटिंग कराने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं सिग्नल के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन संचालन नियम में कितने कनेक्शन स्लिप आ जाने के बाद नया जारी किया जाता है? तो 5 है, ऑप्शन नंबर डी बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य और सहायक नियमों के अंतर्गत रेल कर्मचारी को निम्नलिखित कार्य करना एवं निर्धारित परीक्षाएं पास करना किस नियम के अंतर्गत आता है? तो GNSR की 2.2003 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेशन संचालन नियमों की किस अपेंडिक्स में संचार साधनों का विवरण है? बी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नॉन इंटरलॉक पॉइंट पर गाड़ी की गति कितनी होती है? तो 15 KMPH होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्राम के दौरान बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुशासनात्मक हीनता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन भेजने के लिए सेंड सिग्नल कौन ऑफ किया जा सकता है? सॉरी, ट्रेन भेजने के लिए सेंड सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ट्रेन भेजने के लिए सेंड सिग्नल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, समय बचाने और ट्रेन को रोकने के लिए यात्री गाड़ी की लोड शेडिंग की जा सकती है? नहीं की जाएगी। समय बचाने और ट्रेन को रोकने के लिए यात्री गाड़ी की लोड शेडिंग की जा सकती है? नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSLB बोर्ड को केवल आवश्यकता पड़ने पर डबल लाइन प्रदान की जाती है? तो ये आपका डबल लाइन पे ही BSLB बोर्ड लगाया ही जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जब एक मटेरियल ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी होती है तो केवल स्टेशन मास्टर ट्रेन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? ऐसा नहीं, सभी की जिम्मेदारी होती है, चाहे जो कर्मचारी हो सबकी जिम्मेदारी होगी, ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी बी सही है। जब एक मटेरियल ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी होती है तो केवल स्टेशन मास्टर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसमें सभी शामिल होता है, एक पॉइंट स्टेशन मास्टर होता है, गुड्स गार्ड होता है, तो केवल ही स्टेशन मास्टर ही नहीं जिम्मेदार होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक पाइप के दबाव में कमी से क्या होता है? अगर कमी हो जाता है तो ब्रेक लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका ब्रेक पाइप 5 kg, उसमें अगर 4.5 kg हो गया, 0.5 kg ड्रॉप कर देंगे तो ब्रेक लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक पाइप के दबाव बढ़ाने से क्या होता है? तो ब्रेक रिलीज हो जाता है, अगर इसको बढ़ा देंगे 4.5 kg, उसमें आप उसको 5 kg कर देंगे तो क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो ब्रेक लगेंगे, ब्रेक हटेंगे और कुछ नहीं होगा, तो ब्रेक हटेंगे मतलब रिलीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गंभीर दुर्घटना की परिभाषा में शामिल है? जन हानि, घातक चोट और रेल संपत्ति का 2 करोड़ से नुकसान अधिक नुकसान हो तो जन हानि तो आपका गंभीर दुर्घटना माना जाएगा, तो एवं ये सभी उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, विशेष निर्देश किसके द्वारा जारी किया जाता है? सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाहरी साइडिंग के बारे में विस्तृत कार्य निर्देश
में सम्मिलित किया जाता है, तो SWR में दिया जाता है। हर स्टेशन का SWR होता है तो इसमें दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, RDSO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। VG का पूर्ण रूप क्या है? व्हीकल गाइडेंस गाइडेंस होता है। VG का फुल फॉर्म पूछ जाता है, व्हीकल गाइडेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। अगला क्वेश्चन, सामान्य नियम में डैश द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो सामान्य नियम में रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, APAR सामान्यतः कौन सी अवधि के लिए जारी भरी जाती है? तो ये होता है आपका वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि पूरी ट्रेन को यार्ड में पैक किया जा रहा हो तो गार्ड को कहाँ रहना चाहिए? तो ब्रेक यार्ड में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1080 ही जो है तो ये है आपका याद पैसेंजर गाड़ी है जिसको आप नाम दे दिया वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है विभागीय, मटेरियल ट्रेन होता है विभागीय गाड़ी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। WTR की गणना करते समय कौन से वैगन शामिल नहीं किए जाते हैं? तो फिसिक वैगन नहीं शामिल किए जाते। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पावर प्लान करते समय किन किन सर्विसेज को ध्यान में रखना चाहिए? तो आपका यात्री से संबंधित है, मालगाड़ी से और संटिंग से, सभी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्लान तो सब सब सबको किया, सब चीज़ का किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वैगन टर्न राउंड की गणना किस में की जाती है? तो दिन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस गाड़ी को चलाने के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो होता है उसी को दिया जाएगा, ARME और ARTO को ही दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफिस में किस स्टेशन के SWR उपलब्ध होते हैं? तो सभी स्टेशन के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर कंट्रोल ऑफिस में किस स्टेशन के SWR उपलब्ध होने चाहिए? तो सभी स्टेशन के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिबंधित गाड़ी में निरीक्षण यान लगाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो PCM और CPTM के द्वारा। प्रतिबंधित गाड़ी में निरीक्षण यान लगाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो PCM और CPTM के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ICMS किसको व्यक्त करता है? तो कोचिंग गाड़ी का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मालगाड़ी के लिए है, फाइस्ट ट्रेन होता है। अगला क्वेश्चन है, WTT में निम्न शामिल नहीं है? तो बुकड की गई स्पीड, एक्सल लोड और स्टेशन के बीच की दूरी, किराया सूची, किराया सूची को नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग टाइम टेबल कौन जारी किया था? PCM और CPTM जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, पेंट्री कार्ड के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया जाता है? WCV इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, जिस वैगन के कोड के अंत में HL लिखा हो क्या उसका क्या अर्थ होता है? तो ये होता है हाई स्पीड बोगी एंड हाई एक्सल लोड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, NTES से तात्पर्य क्या है? तो ये हो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ACD से तात्पर्य क्या है? तो एंटी कोलिजन डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लाइट इंजन के साथ अधिकतम कितने निरीक्षण यान लगा सकते हैं? तो मैक्सिमम 3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से 1 2 10 क्वेश्चन दिल्ली डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। सो आप तो नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।